अबे कल्लू, अरे वो काला तेरा दोस्त है, अरे वो भूत आ गया, देख लो अब उसको। ये चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में लोगों को बोलते हुए सुनते हैं। इससे आपको पता चल ही गया होगा कि आज का मेरा बोलने का टॉपिक है क्या। हाँ जी, आज का मेरा टॉपिक है डार्क टोन। डार्क टोन हम सबके लिए एक ब्लेसिंग है। इससे मुझे एक स्टोरी याद आई, वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। रॉय एक 8 साल का बच्चा है। वो एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा था और वो डिप्रेस था, तो मैं उसके पास गई और मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने सैड क्यों हो और इतने डिप्रेस क्यों हो। तो उसने कहा, ये मैं सैड और डिप्रेस इसलिए हूँ क्योंकि मेरे क्लासमेट्स और भी बच्चे मुझे ब्लैक बेयर कहते हैं। तो मैंने बोला कि उनके कहने से तुम ब्लैक बेयर तो हो नहीं सकते ना, तुम एक भगवान की यूनिक चाइल्ड हो। तो उसने मेरी बात ठुकरा दी और गुस्से होकर ये बोलने लगा कि अगर मैं भगवान का यूनिक चाइल्ड हूँ तो वो मुझे लक प्रोवाइड कब करेंगे, कब वो मुझे ये फील करवाएंगे कि डार्क टोन एक ब्लेसिंग है। तो मैंने उसे ये बताया कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने ट्राई किया कि जो हमारी स्किन की डार्क टोन या फेयर टोन होती है वो वेराई क्यों करती है प्लेस टू प्लेस, और जो लोग सनलाइट के ज़्यादा पास रहते हैं उनकी ही मोस्टली डार्क टोन ज़्यादा होती है। तो इससे एक आंसर मिला कि जो डार्क स्किन होती है वो एक ब्राउन कलर पिगमेंट लार्ज अमाउंट में कंटेन करती है जिसका नाम होता है मिलानिन। और जो मिलानिन होता है वो प्रोड्यूस होता है कब, वो प्रोड्यूस होता है जब कोई इंसान सनलाइट के एक्सपोज में हो, और ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है स्ट्रॉन्ग सनलाइट से। इसलिए हमने ये भी देखा है कि जो इक्वेटर के पास वाले लोग होते हैं उनकी मोस्टली डार्क टोन रहती है, या इंडियंस पीपल की भी मोस्टली डार्क टोन रहती है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी में लार्ज अमाउंट में मिलानिन पिगमेंट पाया जाता है जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं सनलाइट की यूवी रेजेस से और स्किन कैंसर से भी प्रोटेक्ट करता है। और इससे इन्होंने ये भी साबित किया कि जो डार्क टोन वाले लोग होते हैं वो कहीं भी रह सकते हैं कंफर्टेबली, चाहे वो कोल्ड रीजन में हो या हॉट रीजन में हो। इसलिए जो डार्क टोन है वो कर्स नहीं, एक बिग ब्लेसिंग है। जब मैंने ये सब उसे एक्सप्लेन किया तो उसके फेस पे एक बड़ी स्माइल थी। तो आप सब भी इससे ये समझ जाओ कि अगर आपकी डार्क टोन है तो वो एक ब्लेसिंग है, ना कि एक कर्स। अगर हम देखें तो मोस्टली हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लोगों को जज किया जाता है उनकी टोन्स की वजह से, जबकि अगर हम आउट ऑफ इंडिया कंट्रीज देखें तो वहाँ टैलेंट के अकॉर्डिंग पीपल्स को जज किया जाता है। तो जज पीपल अकॉर्डिंग टू देयर हार्ट एंड टैलेंट, नॉट अकॉर्डिंग टू देयर टोन। थैंक यू।